जनाब कल आपका पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कल यानी कि सुबह 9 बजे करीबन आपका पेपर होगा, और वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा देर हो गया, लेकिन मुझे ये बताओ आपने अपना 100% दिया होगा, अभी तक तैयारी कर रहे होगे, और ये कुछ समय है, 1-2 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, समझ रहे हो? मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपने अपनी मेहनत अभी तक कैसे की है। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2 के मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, क्या आपने वो तैयार किए हैं या नहीं किए हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और परीक्षा में जब जाएंगे ना, 100 MCQ आएंगे, उसमें से इन टॉपिक से MCQ आपको 101% मिलेंगे, करीबन 50 MCQ तो मिल ही जाएंगे, जो जो मैं टॉपिक अभी बताऊंगा, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सबसे पहले मैं आ जाता हूं। यूनिट नंबर 4 आपने अपनी तैयारी कर ली है? यूनिट नंबर 4 में एक टॉपिक है, ठीक है, ये छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, किसी को छोड़ के नहीं जाना है। इनकी रिएक्शंस बहुत इजी होती हैं। यूनिट नंबर 1 बच्चा पढ़ता है, 2 पढ़ता है, 3 पढ़ता है, 14 में आके छोड़ देता है, थोड़ी छोटी सी यूनिट है, छोड़ दो, छोड़ना बिल्कुल नहीं, ये रिएक्शन तैयार करके जाना। इसमें से करीबन आपको 15 रिएक्शन मिलेंगे इस चैप्टर से। क्या क्या टॉपिक में और आगे बढ़ो, पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा कि अमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर तुमको बता देगा कि हाँ भैया इनको अरेंज करो। एक क्वेश्चन टाइप का बन जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऑर्डर इनका अरेंज करो, ठीक है? और ये दो हो गए, यहाँ से सवाल बनता है। अगला सवाल यहाँ से बनता है कि इनकी प्रिपरेशन जो रिएक्शंस होती है ना, उनके बारे में तुमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? और ये जो इसकी लास्ट रिएक्शन आती है ना, ये भी तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि यही रिएक्शन पूरा दे देगा, इसमें से थोड़ा सा चेंज करता रहेगा, और जब तुमको बिल्कुल सही सी रिएक्शन आपको पता होगी, तभी आप इसमें सही से क्या कर पाओगे, गोला भर पाओगे, ठीक है? आगे बढ़ो, इसमें क्या है, एक HBR रिएक्शन भी है, ठीक है? और ये जो है ना ये दोनों हमारी 12वीं की भी चीज़ें हैं, 11वीं 12वीं से रिलेटेड है, तो ये तैयार करके जरूर जाना, इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, ठीक है? मतलब यूनिट नंबर 4 में ये सिंपल टॉपिक्स हैं, एक सफ़ेद पन्ना लेना, उनमें ये रिएक्शंस लिख लेना, बस उतना सफिशेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है? आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी बात करेंगे। यूनिट नंबर 3 में HBZ रिएक्शन तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? HBZ रिएक्शन होती क्या है, अगर नहीं पता है तो अपना भाई कॉपी में नोट कर लेना कि हमको ये देखकर जानी रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखकर जाना है, ठीक है? डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं इस रिएक्शंस के, इसमें तुमको बस यूनिट नंबर 3 में इतना ही देख के जाना है, ठीक है? और आगे भी है चीज़ें, समय है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है, लेकिन अगर इन चीज़ों को करके जरूर जाना है, छोड़ के तो नहीं जाना है, ठीक है? इसमें और इसके बाद में फिनॉल्स पे आ जाओ। इस फिनॉल्स में कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि इसकी कैनोजोरा रिएक्शंस हो गई है, ठीक है? वोल क्रिश्नर रिएक्शन हो गई, ये हो गई है। इसके बाद में रिडक्शंस, इसके LI मतलब रिडक्शंस होते हैं ना, 3-4 एजेंट्स होते हैं, उसमें से ये 2 एजेंट इंपॉर्टेंट है, एक और एजेंट दे रखा है, ठीक है? उनको कर लेना। और ये जो रिएक्शंस हैं, इनको तुम लिख कर देखना, डायरेक्ट तुमको रिएक्शन ही मिलेंगे, ठीक है? विटिंग रिएक्शंस क्या होती है, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है, ये भी देख लेना, इसका पूरा रिएक्शन एक तरीके से होता है, क्या होता है। LDHD एंड कीटोन, ठीक है, इनकी फॉर्मेशंस की रिएक्शंस होती हैं, इनकी फॉर्मेशंस की रिएक्शन देखे जाना। अरेंजमेंट वाली होती हैं, जैसे फ्राइज अरेंजमेंट हो गया, गैटरमैन रिएक्शन हो गया, रीमन टेमर, इनको देख के जाना है, इसकी रिएक्शन को रट लेना, रीमन टेमर को रट लेना, इसमें से थोड़ा सा हेल फेल करके सवाल बना देगा, ठीक है? ये कुछ टाइप के रिएक्शन हैं। और आगे बढ़ो, अगला है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में क्या है कि तुम्हारे पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है यूनिट नंबर 1 में क्या पोर्शन कवर करना है, ठीक है? ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको यूनिट नंबर 2 बताया, 3 बताया, 4 बताया, क्योंकि 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा वीडियो नहीं है, क्योंकि आपको अपनी तैयारी उस लेवल की करनी है। ये जो मैंने टॉपिक्स बताई ना, इनसे करीबन आपके 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। यूनिट नंबर 4 तैयार करना है, 3 तैयार करना है, और 2 तैयार करना है, ठीक है? फिनॉल्स को अच्छी तरीके से देख लेना, विटिंग रिएक्शन वाला, ये सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है? और यूनिट नंबर 1 पे डिपेंड करता है आप पे, आपने कितना पोर्शन उसका कवर किया उतना कर लेना, लेकिन चौथी को छोड़ के मत जाना, तीसरी को छोड़ के मत जाना, चौथी, तीसरी और दूसरी, इसको ठीक ठाक लेवल से तैयार कर लेना, सवाल बन जाएंगे। यूनिट नंबर 1 से विधिवत ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, यूनिट नंबर 4, 3 और 2 इस पर कवर अच्छी तरह कर लेना, बढ़िया तरीके से, कोई डाउट नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने सारी चीज़ें तुमको दे रखी हैं। आओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एग्जाम बूस्टर का फोल्डर होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 में एग्जाम बूस्टर का फोल्डर होगा, ये वाला, इनके क्वेश्चन दे रखे होंगे। यूनिट नंबर 4 में आ जाओ, यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चंस लगा लेना, जितने सारे दे रखे हों, ठीक है? इन सभी क्वेश्चंस को लगा के चले जाना, ठीक है? है ना?
एक बार क्वेश्चंस लगा देना, सारी सारी दिक्कतें प्रॉब्लम समस्या तकलीफ सब खत्म हो जाएगी। कोई और डाउट हो तो बता देना भाई जल्दी कमेंट बॉक्स में, और पेपर कैसा हो मुझको बताना कमेंट बॉक्स में पेपर देने के बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, है ना। टेक केयर, बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का हो गया लेकिन ऑर्गेनिक के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय।